भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट का दूसरा दिन भी मेजबान टीम इंडिया के नाम रहा। मैच के दूसरे दिन जहां कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स बनाए, तो वहीं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने अर्धशतक लगाकर भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन पर टिके हुए हैं। नागपुर के क्रिकेट प्रेमियों को आज चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और सूर्य कुमार की बल्लेबाजी से निराशा हाथ लगी। ये सभी बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टॉड मर्फी ने डेब्यू मैच में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट पर 321 रन है और टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से 144 रन आगे है।